हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, लेट मी इसको रिमूव कर देता हूं मैं एट वेरी फर्स्ट, कि बोर्ड ने एक नया ब्लूप्रिंट आपको अपलोड किया था एंड दैट वाज अ न्यू पैटर्न फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दीज दोज पैटर्न्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द बोर्ड, कि गवर्नमेंट ने अपने स्पेशल राइट्स का यूज़ करते हुए उस पैटर्न को हटा दिया और कहा गया कि जो एग्ज़ाम्स होगी 2021 की, वो एग्ज़ाम ओल्ड पैटर्न के बेस पर होगी, बट इसके अलावा और कोई चीज़ क्लियर नहीं करी है। मीन्स बोर्ड ने या गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर नहीं किया है कि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो रिड्यूस्ड सिलेबस इस एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। तो एट वेरी फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि रिड्यूस्ड सिलेबस जो है वो आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने खुद और बोर्ड ने खुद मिलकर इस सिलेबस को रिड्यूस किया था। गवर्नमेंट जो न्यूज़ आई थी कि बोर्ड के सारे जो डिसीजंस है वो डिसीजन जो कि बोर्ड ने लिए हैं 2021 की एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे विड्रॉ किए जाते हैं, ये तुरंत निरस्त किए जाते हैं, केवल उनका जो टाइम टेबल है उसको छोड़कर। तो मैं आपको बता दूं कि केवल टाइम टेबल को छोड़कर नहीं, बल्कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस रिड्यूस्ड सिलेबस को भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस वापस आएगा या नहीं आएगा। तो 110% बोर्ड जो है वो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस को वापस सिलेबस में इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है तो वो रिड्यूस्ड ही रहेगा, यानी कि रिमेनिंग सिलेबस से आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर और डाउट नंबर टू, दूसरा जो डाउट है आपका और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल करवा दी है वेबसाइट पर, तो क्या उस क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस आएंगे? तो स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि जो भी क्वेश्चन डाले गए थे क्वेश्चन बैंक में, यानी कि प्रश्न बैंक में जो भी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट्स के डाले थे बोर्ड ने, आप ध्यान से देखिए, अगर आप अपने सिलेबस को होल रीड करते हैं, यानी कि एंटायर सिलेबस को आप रीड करते हैं, तो देर इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स में जाते हो, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया या अदर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेंगे, यानी कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। वही क्वेश्चन बोर्ड ने क्या किए हैं, कॉपी करके और आपके क्वेश्चन बैंक में डाल दिए हैं। तो अगर बोर्ड उन क्वेश्चंस में से पूछता भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपकी बुक्स में है। उनको आप ध्यान से थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अपने टीचर्स से हेल्प लीजिए कि किस तरह से वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि क्वेश्चन के कुछ शब्द हैं उनको बदल दिए गए हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है सिर्फ वो अलग हो गया है, क्वेश्चन का आंसर वही है जो आपकी बुक में है। आपकी बुक से कुछ भी अलग होने वाला नहीं है। हाँ, दूसरी बात इम्पोर्टेंट इसमें ये आती है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस की हम बात करें तो जो एनालिटिकल क्वेश्चंस इंग्लिश में डाले हैं, है ना, यानी कि ज्ञान परक जो क्वेश्चंस डाले हैं उसमें दो तीन क्वेश्चन है, एक वस्तुनिष्ठ है, समझ परक और ज्ञान परक, तो जो चार नंबर के क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में डाले हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस जो अपलोड किए हैं इंग्लिश स्पेशल के लिए, मैं बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश जनरल और इंग्लिश स्पेशल के लिए, तो उसमें आप ध्यान से पूरी क्वेश्चन बैंक को आप देखो, कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े अलग है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, आपने ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक को देखा है, तो हर लेसन के लास्ट में एक राइटिंग एक्टिविटी करके लिखा हुआ है,
उस आपके क्वेश्चंस जहाँ दे रखे हैं बुक में, उसके बाद राइटिंग एक्टिविटी करके दे रखा है, तो उस राइटिंग एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं वो ही बोर्ड ने जो है आपके एनालिटिकल क्वेश्चन के नाम पर डाल रखे हैं। तो वही क्वेश्चन जो कि ट्रेडिशनली हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन्हीं को देखिए आप जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन बैंक के थ्रू जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लेवल है वो अप होगा। देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक तो वो जो कि मेरिट आने का सोचते हैं, 90 प्लस मारने की सोचते हैं, 85 लाने की सोचते हैं, तो वो स्टूडेंट जो ऐसा सोच रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में आई थिंक कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्रेडिशनली पढ़िए, जैसा आप पहले पढ़ते थे वैसा ही पढ़िए। वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे याद कर लीजिए, अगर आप 10th क्लास में हैं तो वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे याद कर लीजिए, बिल्कुल दोनों ऐसे में से एक ऐसे आपका पक्का आ जाएगा। और जहाँ तक ये वंडर्स ऑफ साइंस का आ जाएगा, 10th स्पेशल इंग्लिश भी, 10th जनरल इंग्लिश भी। हाँ 12th की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश के लिए एक बर्निंग प्रॉब्लम वाला याद कर लीजिए आप, एनी बर्निंग प्रॉब्लम। उस बर्निंग प्रॉब्लम में आप पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, इसके अलावा टेररिज्म को आप देख लीजिए, ऐसे दो तीन ऐसे उसमें जो भी आप एक कर सको वो कर लेना, एनी बर्निंग प्रॉब्लम। करप्शन भी हो सकता है उसमें, वो आ जाएगा आपका, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात करूँ मैं तो, और 12th स्पेशल इंग्लिश की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस एंड सिविलाइजेशन करके टॉपिक होता है जो कि वंडर्स ऑफ साइंस जैसा ही ऐसे हैं, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए, 7 out of 7 अगर ऐसे के, तो आपको ध्यान देना होगा किस चीज़ पर कि आज जो टाइटल है वो टाइटल क्या है, उस टाइटल के अकॉर्डिंग। साइंस एंड सिविलाइजेशन तो आपको लिखना होगा इन व्हाट मैनर साइंस अफेक्ट द सिविलाइजेशन और हेल्प्स द सिविलाइजेशन इन सर्वाइवल देयर लाइफ, यानी कि सोसाइटी की लाइफ को सर्वाइव करने में साइंस ने क्या क्या हेल्प करी है, उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को थोड़ा चेंज करना है, बाकी कोई चीज़ वंडर्स ऑफ साइंस में से कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आप भी एक बर्निंग प्रॉब्लम का ऐसे याद कर लीजिए, एनी बर्निंग प्रॉब्लम, अगर आप 12th स्पेशल इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो। अगर एप्लीकेशन की बात करें हम 10th लेवल की, जो कि जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश की बात करें, तो जनरल इंग्लिश क्लास 10th में कुछ एप्लीकेशन से है जो हमेशा से चली आ रही है, सिक लीव की हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर आप 10th स्पेशल इंग्लिश के हैं और जनरल इंग्लिश के हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन जो है इंपॉर्टेंट, सिक लीव की एप्लीकेशन हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की हो गई, ठीक है। इसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की हो गई। अगर आप 10th स्पेशल इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको बुक बैंक से बुक इशू करवाने के लिए और फुल फी कंसेशन की जो एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप 12th जनरल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक तो एक लेटर याद रखना है आपको, और लेटर होगा कि आप अपने कलेक्टर को या फिर SP को लेटर लिखिए बैन लगाने के ऊपर, जो लाउड स्पीकर का यूज़ होता है एग्जाम टाइम में उनके ऊपर बैन लगाने के लिए एक लेटर लिखिए। यह हो सकता है इनसैनिटरी कंडीशन वाला हो सकता है कि इनसैनिटरी कंडीशंस के लिए न्यूज़पेपर को आप, न्यूज़पेपर ऑडिटर को आप लेटर लिखिए, या फिर अपने एरिया के सैनिटरी ऑफिसर को लिखिए। जनरल इंग्लिश क्लास 12th के लिए एक बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, वो लेटर है आपका जो कि आपको लेटर लिखना है कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिसमें आपको कंप्लेन करना है अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर लोकल एरिया, आपके एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। आपकी वर्कबुक में कुछ एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं, ठीक है, कुछ पोस्टर्स दे रखे हैं, उनको डिज़ाइन करना है, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपकी वर्कबुक में जो दे रखे हैं और टेक्स्ट बुक में जो दे रखे हैं उन्हीं में से आना है, कोई बाहर से नहीं आना है। तो कन्फ्यूज़न को गोली मारिए, कन्फ्यूज़न को एकदम से रिमूव कर दीजिए माइंड से और लग जाइए अपनी स्टडी में जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो जस्ट कमेंट मी, आई विल श्योरली आंसर यू। एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल लीव माई मोबाइल नंबर, माई व्हाट्सअप नंबर, सो दैट यू कैन मेक ए कॉल टू मी और यू कैन आस्क थ्रू सेंडिंग एनी व्हाट्सअप मैसेज। डेफिनेटली वेन एवर आई विल सी इट विद इन 24 आवर, यानी कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा इमिडिएटली। हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगा और आपकी क्वेश्चन का, आपकी जो क्यूरीज है उसको मैं क्लियर करूँगा। करना यह होगा आपको अपना नेम, अपनी क्लास लिखना होगी, स्पेशल इंग्लिश या जनरल इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश
सर रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे करिए, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और इंग्लिश से रिलेटेड मैं आंसर। दूसरा, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट ऑल थ्री सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तीनों ही सब्जेक्ट के आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अकाउंट का भी टीचर हूँ, है ना, मीन्स कॉमर्स का भी टीचर हूँ, वो भी मैं टीच करता हूँ और इंग्लिश में टीच करता हूँ। तो स्पेशल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, क्लास 10th, क्लास 12th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, दे कैन आस्क देयर क्यूरीज बाई सेंडिंग मी मैसेज और बाई कमेंटिंग बिलो द वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।